गुरुवार को पदवीधर स्नातक चुनाव के मतों की गिनती की गई। मतगणना की शुरुआत गुरुवार की सुबह 8 बजे से ही की गई। हालांकि पहले चरण के रुझान आने में ही देर लग गई। रुझान की देरी के पीछे प्रशासन द्वारा बताया गया कि बड़ी ही जांच व निरीक्षण करके मतों की गिनती की जा रही है, जिसके चलते पहले चरण के रुझान आने में देर हो गई। और अब पहले चरण में कांग्रेस के प्रत्याशी अभिजीत वंजारी 12,616 मतों पर आघाड़ी पर है। वहीं पहले राउंड के रुझान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संदीप जोशी को पहले राउंड में 7,767 मत प्राप्त हुए हैं।